उत्तर प्रदेश में पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है, धनाधन एनकाउंटर का दौर जारी है। आपको बता दें बीती रात वाराणसी समेत कई जिलों में पुलिस ने कार्रवाई की, कई बदमाशों ने हथियार डाल दिए और कई नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले ढाई साल से यूपी में बदमाशों के हौसले पस्त पड़ चुके हैं। यूपी पुलिस एक के बाद एक एनकाउंटर कर रही है और हाल ये है कि अपराधी थानों में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं और खुद ही जेल की सलाखों के पीछे जाना कबूल कर रहे हैं। बीती रात पुलिस ने वाराणसी, बुलंदशहर और मेरठ में कई इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र धर्मनगरी वाराणसी में बीती रात पुलिस की गोली जमकर बोली है। वाराणसी में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शहर के पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अपने आप को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग किया। कई राउंड तक बदमाशों और पुलिस की फायरिंग होती रही। गोलियों की आवाज थमने के बाद जब पुलिस ने सर्च किया तब पता चला कि मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हुए, जबकि दो बदमाश भागने में सफल हुए। इधर बुलंदशहर में भी पुलिसिया कार्रवाई से बदमाशों ने हथियार डाल दिए। ट्रक लूट कर जा रहे बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश शफीक पर एक दर्जन संगीन मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। कोई शफीक नाम का है जिसको गोली लगी है और मेरठ का रहने वाला है, अभी हमारे पास भर्ती है। तो वहीं मेरठ में पुलिस तेजी से बदमाशों के सफाई अभियान में जुट गई है। किठौर थाना क्षेत्र के माचरा रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 19 सितंबर को यूपी सरकार के ढाई साल पूरे हो रहे हैं। इन ढाई सालों के लेखा जोखा देखे तो अब तक 4,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। कई दुर्दांत अपराधी या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेल की हवा खा रहे हैं। वाराणसी से विनय सिंह, बुलंदशहर से साजिद सैफी और मेरठ से आदित्य गुप्ता, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।